सोलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फियरलेस गिमिक्स वाईटी। सो दोस्तों, आज हम रियल क्रिकेट 24 में करने जा रहे हैं पीएसएल का आगाज़। सो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी टीम आपको दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर हम खेलेंगे वैसे तो लगभग 20 ओवर का मैच होता है, हम खेलेंगे 10 ओवर का मैच। कराची टीम ले रहा हूँ मैं आपके सामने, 10 ओवर का मैच रखेंगे, हार्ड में मैच रखेंगे, डिफ़िकल्टी हार्ड रहेगी हमारी और मैच में बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर वीडियो पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन इस तरह मिलती रहे एक्साइटिंग। तो दोस्तों, यहाँ हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पर ग्राउंड देख सकते हो, क्या लाजवाब ग्राउंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिच, हमने यहाँ सभी को पता है यहाँ पर ड्राई पिच रखी है ताकि हमारे को पेसर से अच्छा मदद मिल सके। चलिए टॉस की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि अगर हम टॉस जीते तो बॉलिंग करें क्योंकि हमको चेजिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर हेड लिया है यहाँ पे और हेड चूज़ किया है और ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी बॉलिंग यानी बैटिंग दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर, मैंने जैसा आपको बताया, हम यहाँ पर बॉलिंग लेंगे और बिना कोई टाइम वेस्ट करवाए यहाँ पर हम बॉलिंग करेंगे और एक कमाल की जोड़ी होने वाली है लाजवाब। और यहाँ पर हसन अली को पहली बॉल यहाँ पर ओवर दिया है आगे ताकि हमारे को विकेट निकाल दे। पहली गेंद अपनी बॉल फेंकती हुई हसन अली यहाँ पर, और पहली ही बॉल की शुरुआत यहाँ पर आते ही आक्रामक रवैया अपनाए यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने। भाई क्या बैटिंग कर रहा आती है, आपको पहली गेंद पर चौका लगा दिया है। और फील्डर हमारा जो फील्डिंग है काफ़ी अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर, पहली ही गेंद, माफ़ कीजिएगा, तीसरी गेंद पर विकेट निकाला डेविड मलान का। और भाई कोई सस्ता विकेट नहीं था, ये बहुत बड़ा विकेट है यहाँ पे। कराची किंग अपना पहला विकेट निकालती हुई यहाँ पे, और डेविड मलान यहाँ पर काफ़ी दुखी, यहाँ पर गलत शॉट का खामियाजा भुगतना पड़ा, पहली गेंद पे आउट हो गए यार। इसे इस्तेमाल करेंगे, एक और अच्छा शॉट थी तक चार रन के लिए यहाँ पर, क्या शॉट निकाला फोन पर, और वन शॉट बोल रहे उसको। भाई एआई के पास अलग अलग तरीके के शॉट है भाई, हम गिनती करना मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि एआई के पास हर तरीके की शॉट है। चलिए, यहाँ पर डी सैम्स बॉलिंग करने आएंगे क्योंकि उनकी भी बॉलिंग स्टाइल बहुत काफ़ी अच्छी है, चार विकेट ले चुके हैं 12 रन। देखा पर काफ़ी पकड़ बना रखी है यहाँ पर कराची किंग्स ने मुल्तान के ऊपर, और एक और अच्छा शॉट यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे होता है भैया, अच्छी कॉमेंट्री करो अच्छी तो यहाँ पर चार रन खड़े थे उनको, यहाँ पर अगर स्कोर खड़ा करना है तो चौके छक्के तो लगाने पड़ेंगे भाई साहब, एक और चौका है यहाँ पर। चलिए, ये महीना हो गया यहाँ डिजाइन का, बाहर मारे सही यार क्योंकि विकेट निकाल काफ़ी टाइम हो गया है। मोहम्मद नवाज नहीं, कोई और ही बोलर है भाई, मुल्तान काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ओहो लाजवाब डिफेंस, लेकिन सिंगल आसानी से निकाली है यहाँ पर। इस बार आम बॉलिंग भटकी है और यहाँ पर आम बॉलिंग पर भी आसानी से सिंगल ले लिया, तो सिंगल दुखी से यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन अभी बीच में उन्होंने शॉट भी लगाए, रिजा हेंड्रिक्स और रिजवान की अच्छी पार्टनरशिप होती है भाई। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, ओवर थ्रो कर रहे हैं सर, क्लोज बॉल पटकनी चाहिए यहाँ पर, क्लोज बॉल पटकनी चाहिए। इस बार टॉप स्पिन का वेरिएशन लेते हुए यहाँ पर मोहम्मद नवाज चाहेंगे विकेट लेना, लेकिन यहाँ पे सिंगल ले लिया आसानी से। सिंगल से काम नहीं चलने वाला यहाँ पर मुल्तान का, यहाँ पर अगर स्कोर खड़ा करना है तो 100 से ऊपर रन बनाना पड़ेंगे। और यहाँ पर कराची किंग्स, एक और अच्छा शॉट है, लाजवाब
शॉट है सुबह 6 बजे के लिए, वहाँ पर गुरुवान के बल्ले से पहला छक्का यहाँ पर, क्या लाजवाब छक्का। टॉप 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 टॉप, इस बार विकेट, इस बार विकेट, इस बार विकेट, मोहम्मद रिजवान का विकेट भाई, इस बार बहुत बड़ा विकेट, ये विकेट काफ़ी बड़ा कराची किंग्स के लिए। और इस बार सैम ने यहाँ पर विकेट निकाल के दिया है और बहुत बड़ा विकेट, 29 रन बनाए 14 गेंदों पर भाई, बहुत लाजवाब बैटिंग की। एक बार फिर से यहाँ पर ऑफ कटर बॉलिंग करने की कोशिश, और इस बार हवा में बॉल किधर जा रही है भाई, सीधा हाथ में जा रही है बॉल, और एक और टिका हुआ बैट्समैन यानी विजन विक्स आउट होते हुए यहाँ पर अपने विकेट के वाते हुए एक गलत शॉट खेल बैठे हैं। यहाँ पर अच्छी बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर 22 गेंदों पर 22, पर थोड़े काफ़ी स्लो थे। इस बार आउट स्विंगिंग का किया है इस्तेमाल, और एक और अच्छा शॉट यहाँ पर सीधा भाई 6 रन, चार चांद लगा दी शॉट ने यहाँ, क्या लाजवाब शॉट था, कीपर लगाया शॉट यहाँ पर, अच्छा शॉट लगाया लेकिन यहाँ पर भाई सब कैच पकड़ा दिया आपने। अच्छी बैटिंग करते करते एक और गलत शॉट यहाँ पर, मुल्तान के प्लेयर, जी हाँ हमें नाम याद नहीं है, बट हम यहाँ पर पहली बार खेल रहे PSL, तो हमको नाम याद नहीं रहेंगे, खान साहब है भाई साहब, 20 रन बना के बनाए हैं 8 गेंदों पर। शॉट तो सही खेला बट यहाँ पर प्रॉपर बल्ले पे नहीं लगा शॉट, अगर बॉलिंग ठीक नहीं करे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर बन सकता था। एक और अच्छा शॉट है यहाँ पर, बोलते बोलते एक और भैया करारा प्रहार यहाँ पर, सीधा 6 रन के लिए, यहाँ सिर्फ बोलने की देरी थी और यहाँ पर सीधा 6 रन, कड़क शॉट एकदम यार। अरे ये 10वें ओवर की लास्ट बॉल और यहाँ पर देखते हैं शॉट लगाया है सीधा 6 रन, और सब लास्ट गेंद पे भी यहाँ पर फिनिश किया यहाँ पर 6 रन से कमाल होगा, यहाँ पर 109 रन बना दिए, तो यहाँ पर मुल्तान टीम ने बना दिए हैं भैया 100 रन, यानी माफ़ कीजिएगा 109 रन बना दिए हैं, और हमको चाहिए यहाँ पर 110, और अगर अच्छी गेंद खेलिए तो भैया एक पार्टनरशिप की अच्छी ज़रूरत है। तो चलिए सीधा मैच की तरफ बढ़ते, एक और अच्छा शॉट यहाँ पर, ओ भाई कैसे ही गेंद पे चार शॉट लगाया, ये अच्छी शुरुआत दी है यहाँ पर बैट्समैन ने, पहली ही गेंद पे 4 रन विंसन, लाजवाब शॉट, इसी शॉट की यहाँ पर ज़रूरत थी टीम को। ओ भाई साहब एक और अच्छा शॉट है, ये शॉट देखो भाई क्या कमाल का शॉट लगाया भाई 4 रन के लिए, शॉट क्या लाजवाब था भाई, रिप्ले में देख सकते हैं आप क्या शॉट था, ये क्या ज़बरदस्त शॉट था, ये शॉट की क्या शॉट, मतलब अरे भाई इशारा कर रहा बॉल खुद ही पकड़ ले, ओहो भाई ये गलत शॉट खेल बैठा हूँ, ये गलत शॉट खेल बैठा है, विकेट गवा दिया यहाँ पर पहला विकेट यहाँ पर, अभी यार प्रेशर ऐसे बनेगा तो फिर क्या मतलब, पहले ही गेम पे भाई प्लेयर नया है लेकिन हम खेल पा, क्रिस जॉर्डन यहाँ पर बॉलिंग डालेंगे, अच्छा शॉट मारा है, ये अच्छा शॉट है, ये लाजवाब शॉट है, इस शॉट की दरकार है भाई, ऐसे शॉट खेलो ना यार क्या मजा आया, शॉट काफ़ी देख के खेलना है हमें, अरे नहीं यार तुम्हें फिर से हाथ में दे दिया फोर भैया, फिर से विकेट नहीं गिर गया, क्या है यार फिर से विकेट गया, अरे विकेट नहीं गिराना भाई साहब हमें, ये दूसरा विकेट जाता हुआ यार, जब भी अच्छे खेलने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर विकेट ज़रूर निकल जाता है। एक और यहाँ पर इन स्विंगिंग बॉल है लेकिन इस बार अच्छा शॉट है, इस वक्त 4 रन है भाई, 4 रन बॉलर खेल रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, वो मैच चाहेंगे यहाँ पर मैच आगे तक लेके जाए यहाँ पर, क्योंकि विकेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं तो यहाँ पर अब नौबत नहीं आनी चाहिए विकेट गिरने की। ओ भाई साहब क्या लाजवाब शॉट है भाई, तुम शॉट देखो क्या पॉइंट वाला शॉट है, वो क्या कटनी वाला है शॉट यार, लाजवाब शॉट, गलत शॉट और सीधा हाथ में कैच,
शाह मसूद भी आउट होते हुए भाई हमारी कोशिश यहाँ पर नाकाम नाकामयाब होती हुई है। हम जो खेलना चाहते हैं वो खेल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से खेल रहे हैं। शाह मसूद खेल रहे थे अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ नहीं पाए लेकिन यार कि वो टॉप बॉल थी या फिर वो स्लो बॉल थी देखेंगे क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा शॉट लगा है सैंडी ने यहाँ पर सीधा आते ही 6 रन यहाँ पर दर्शा दिया है यहाँ पर कि भैया अब यहाँ पर मैं रुकने वाला नहीं। जी हाँ लाजवाब शॉट यहाँ पर सैंडी का। एक और अच्छा शॉट सीधा 4 रन के लिए भैया इस बार बड़ा ओवर यहाँ पर साबित होता हुआ कैरम पोलार्ड के बल्ले से आग होता हुआ भैया पोलार्ड स्ट्राइक पर है भाई। अच्छा शॉट है सीधा 4 रन है भाई कैरम पोलार्ड भैया अपनी यहाँ पर बैटिंग लाइन पर आते हुए यहाँ पर सीधा 4 रन यहाँ पर और ऐसे शॉटों की दरकार है भाई साहब। एक और अच्छा शॉट है लेकिन थोड़ा अर्ली मारा था यहाँ पर लेकिन फिर भी 4 रन और यहाँ पर भाई साहब डग आउट में खुशी आती हुई यहाँ पर खुशी की लहर लाजवाब कैरम पोलार्ड लाजवाब भैया इन्हीं पे है पूरी टीम। एक और अच्छा शॉट यहाँ पर कैरम पोलार्ड के बल्ले से यहाँ पर सीधा 4 रन कराची किंग्स धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई यहाँ पर जीत की ओर अग्रसर होती है लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे कैरम पोलार्ड जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छा शॉट सीधा 4 रन कैरम पोलार्ड के बल्ले से अब भैया आप कैरम पोलार्ड को रोक नहीं सकते यहाँ पर वो अपनी लेंथ यानी अपनी बैटिंग लेंथ पकड़ चुके हैं भाई सीधा 4 रन। अच्छा शॉट यहाँ पर ये चौका भाई जहाँ जहाँ कैरम पोलार्ड में हाफ बाउंड्री या फिर 6 रन आपको ज़रूर मिलते हैं मैच में और 50 पूरी हुई यहाँ पे कैरम पोलार्ड यहाँ पर अपना योगदान पूरा देते हुए वो सीधा 4 रन के लिए और यहाँ पर अपनी 50। अच्छा शॉट है सीधा 6 रन के लिए ओ भाई साहब मैच खत्म कर दिया यहाँ पे भाई साहब 6 रन मार के अब मात्र 2 रन चाहिए भाई खड़े कर दिए एम्पायर ने अपने हाथ और सीधा 6 रन और जाइए भैया दे दिए इशारा बॉल उठा के लाइए जाओ। एक और अच्छा शॉट और इसी शॉट के साथ फिनिश किया मैच को और जीत चुके हैं यहाँ पर कराची किंग्स 5 विकेट से और सल्यूट है भाई यहाँ पर कैरम पोलार्ड की बैटिंग को और उनको और यह मैच उन्होंने जितवाया ये जीत तो भाई हकदार जो कि है यहाँ पर कैरम पोलार्ड है पूरा क्रेडिट इस मैच का कैरम पोलार्ड को जाता है। अगर आज वो स्ट्राइक पर नहीं होते मैच पर पिच पर नहीं होते तो ये मैच कराची हार चुकी होती क्योंकि इसी इनिंग की ज़रूरत थी यहाँ पे और काफ़ी अच्छी बैटिंग की है यहाँ पर आप देख सकते हैं यार और यहाँ पर स्कोर कार्ड देख सकते हैं मुल्तान वॉरियर्स वर्सेस कराची मुल्तान वर्सेस कराची यहाँ पर कैरम पोलार्ड मात्र 27 गेंदों पर 64 रन एक अच्छी पारी जो कि यादगार मानी जाएगी यहाँ पर पहले 2024 के सीज़न के पहले ही मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग की है लाजवाब दर्शनीय बैटिंग और मैन ऑफ द मैच के हकदार यहाँ पर तो देख लीजिए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच कैरम पोलार्ड को मिलता है और हम भी यही चाहते थे कि कैरम पोलार्ड को मैन ऑफ द मैच मिले। जी हाँ जाइए और बात कीजिए और आपको कैसा लगा मैच दोस्तों पहला ही मैच देखो कितना रोमांचक था आप लोगों को मज़ा आएगा आई होप मैम। चलिए ये था हमारा मैच तो चलिए यहाँ पर पहला मैच समाप्त हो चुका है और जैसा कि कैरम पोलार्ड ने बैटिंग की है आज दिल जीत लिया कैरम पोलार्ड ने और स्टैंड यहाँ पर स्टैंडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है तो यहाँ पर अभी भी लाहौर है ऊपर है पेशावर दूसरे नंबर पे कराची तीसरे नंबर पे है क्योंकि थोड़ा हमारी जो कि नेट रन रेट है वो काफ़ी गिरी हुई है क्योंकि हमारे बीच में विकेट चले गए थे जो कि काफ़ी जल्दा स्कोर चेज नहीं कर पाए। ठीक है तो अगला मैच हमारा किससे होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कराची का मैच होने वाला है पेशावर से जो कि काफ़ी अच्छी टीम है पेशावर हम किसी भी टीम को इतनी जल्दी हाँक नहीं सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक टीमें हो सकती हैं तो ये हमारा अगला मैच है पेशावर से तो ठीक है दोस्तों
क्या सर, अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो, ये मैच आपको पसंद आया तो अगर ज़रूर लाइक करना, ज़रूर लाइक करके जाना, और दोस्तों बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको मेरी वीडियो की एक्साइटिंग न्यूज़ मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।